Hi everyone, welcome back to my channel once again, and here I am back with another video for you all. I hope you all are doing good and staying safe at your homes, and I love you all so much. Thank you for all the support you all have given me, and if you are new to my channel then please consider subscribing it. So ab hum dekhte hain ki maine ye makeup look kaise create kiya. So let's get started. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा फेस वॉश. मैंने अपना फेस ऑलरेडी वॉश कर लिया है और अब मैं लगाने वाली हूँ टोनर. हमें अपना फेस अच्छे से प्रिपेयर करना है. जो भी हम स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं वो हमें मेकअप से पहले भी करना होता है, लाइक टोनिंग, और इसके बाद हम मॉइस्चराइजिंग भी करेंगे ताकि जो हमारा बेस है वो एकदम अच्छा और फ्लॉलेस बने. तो मैंने ये टोनर ले लिया है. अब मैं अपने पूरे फेस और नेक पे इसको लगा लूँगी अच्छे से. टोनर बेसिकली हमारे जितने भी ओपन पोर्स हैं उनको क्लोज करने में हेल्प करता है. उसके अलावा हमारी फेस पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन भी ऐड करता है. तो अब मैं मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम. मैं अच्छे से अपना फेस पूरा मॉइस्चराइज करूँगी. बेसिकली मॉइस्चराइज करने से हमारा जो फाउंडेशन है वो एक लंबे समय तक रहता है, हमारा फेस एक बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता. अब मैं अपना मॉइस्चराइजर अच्छे से अपने पूरे फेस में ब्लेंड कर लूंगी. तो अब हमारा स्किन केयर एकदम कंप्लीट हो गया है और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेकअप. तो फर्स्ट स्टेप होगा मेकअप का प्राइमर. प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का 24K गोल्ड प्राइमर. मैंने अभी रिसेंटली इसको परचेज किया है और मैंने इसका एक हॉल वीडियो अपलोड किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप चेकआउट कर लेना. तो मैंने ये प्राइमर ले लिया है और अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. हम अपने नेक पे भी प्राइमर लगाएंगे एकदम अच्छे से स्प्रेड करके. प्राइमर बेसिकली जितने भी हमारे पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करेगा. उसके अलावा हमारे जितने भी फाइन लाइंस हैं उन सबको मिनिमाइज करेगा, जिससे कि हमारा बेस एकदम फ्लॉलेस लगे. जब भी हम फाउंडेशन लगाएं तो हमारा फाउंडेशन क्रैक ही नहीं लगेगा अगर हम अपना प्राइमर एकदम अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर लेंगे. तो मेरा प्राइमर एकदम अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब हम लगाएंगे फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन. मेरा शेड है 115 आइवरी और आप अपना शेड इजीली चूज़ कर सकते हैं. मेबलिन बहुत ही अच्छा शेड रेंज प्रोवाइड करता है. मैंने इतना फाउंडेशन ले लिया है और अब मैं इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. अब मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी. ब्लेंड करने के लिए मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी ग्लास में डाल दिया था और अब मैं इसका जितना भी वाटर है उसको स्क्वीज कर लूंगी और इसको अपने फेस पे ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी. हमें ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए. जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके ब्लेंड करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज ये अपने आप सारी चीज़ों को एकदम हमारे स्किन में ब्लेंड कर देता है और उसके अलावा कोई भी क्रैक्स नहीं पड़ेंगे आपके फेस पे, बिकॉज ये इवनली आपके फेस पे सारा मेकअप स्प्रेड कर देगा. हमें ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लेना चाहिए. धीरे धीरे डैबिंग मोशन में इस तरीके से हमको पूरे फेस पे ब्लेंड करना है हमारा मेकअप, जैसा आप देख सकते हैं. बिकॉज हमारे मेकअप का जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा और फ्लॉलेस हमारा मेकअप लगेगा. अब फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कंसीलर. उसके लिए मैं ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर यूज कर रही हूँ. मेरा शेड लाइट है
इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप इजीली चूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली अपना कंसीलर थोड़ा सा अंडर आईज और जहां जहां पे भी आपको डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन है आपके फेस पे, आप वहां लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा अंडर आईज में लगाऊंगी और मैं थोड़ा सा आईज के ऊपर भी लगाऊंगी, जिससे कि हम जो आई शेडो लगाएंगे वो एकदम पॉप आउट होके आए। उसके अलावा हमें थोड़ा सा इधर इधर लगाना चाहिए हमारा कंसीलर। अब मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। हमें इसको डैब करना है इस तरीके से, हमको इसको स्प्रेड नहीं करना है। जहां जहां हमने लगाया है हम वहीं चाहते हैं इसको, तो हम बस इसको इस तरीके से डैब कर देंगे उसी जगह पे। अब मैं अपने आईज पे भी इसी तरीके से इसको डैब कर दूंगी। तो अब कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। इट इज़ इन द शेड 112 नेचुरल आइवरी। ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है और बहुत अच्छा भी है, आपके फेस को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता और एकदम मैटिफाई कर देता है। तो इसके साथ ऑल्दो हमें ये एप्लीकेटर मिलता है, बट मैं इससे नहीं लगाऊंगी, मैं अपने पाउडर ब्रश से लगाऊंगी। मैं इसको ऐसे लूंगी और इसको जो भी एक्सेस है उसको डस्ट ऑफ कर दूंगी और इस तरीके से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करूंगी। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉम्पैक्ट इज कि इसमें SPF है। अब हम करेंगे अपने आईब्रोज फिल। आईब्रोज फिल करना बहुत जरूरी है, भले ही आप थोड़ा सा फिल कर रहे हैं उन्हें लाइटली। तो आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। इट इज़ इन द शेड एश ब्राउन। तो सबसे पहले मैं इस तरीके का मस्कारा ब्रश लूँगी और उसकी हेल्प से अपने आईब्रोज को कोम कर लूँगी। आप सबसे पहले ब्राउज फिल करने से पहले अपने आईब्रोज को कोम कर लें, जिससे कि बहुत ज़्यादा पैची लुक ना आए। और मैं यूज़ करूँगी ये लाइट और डार्क शेड का मिक्सचर टाइप बना के, और मैं इस तरीके से लाइटली अपने आईब्रोज को फिल करना स्टार्ट करूंगी। आईब्रोज फिल करने से एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन मिलेगा हमारे फेस को। तो मैं अब थोड़ा सा डार्कर शेड लूंगी और अपना आईब्रोज फिल करती हूँ। और अब आप खुद देख सकते हैं कि मैंने ये वाला आईब्रो फिल किया है और ये नहीं फिल किया है, तो इससे हमारे फेस को कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। तो अब इसी तरीके से मैं अपना लेफ्ट आईब्रो भी फिल कर लेती हूँ। मैं आई शेडो के लिए यूज कर रही हूँ ये पैलेट। ये इट्यूड हाउस की आई शेडो पैलेट है और इट इज़ इन द शेड रेंज प्ले कलराइज। इसमें सारे न्यूड शेड्स हैं, न्यूड और थोड़ा सा स्पार्कली है। क्योंकि मेरा आउटफिट पिंक है तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप लुक नहीं, मैं बहुत लाइट पिंक मेकअप लुक करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला शेड लेती हूँ और अपने क्रीज पे लगाना स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से हम अपने क्रीज पे लगाना स्टार्ट करेंगे इसको। और अब मैं इसके साइड वाला थोड़ा सा डार्क शेड लूंगी और उसको भी अपने क्रीज पे स्प्रेड करना स्टार्ट करूंगी। हमारे आई मेकअप में जितनी अच्छी हमारी क्रीज डिफाइन होगी उतना ही ज्यादा अच्छा हमारा आई मेकअप लगेगा। तो अब उसके बाद मैं यही वाला शेड लेके अपने आईलिड्स पे स्प्रेड कर लूंगी। और मुझे थोड़ा सा स्पार्कली आई मेकअप लुक चाहिए, तो मैं उसके लिए ये वाला कलर ले रही हूं। ये थोड़ा सा पिंकी शेड में स्पार्कली है। मैं अपने पूरे आईलिड्स पे अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। उसके बाद मैं ये वाला पिंक शेड
जो कि स्पार्कल में है, और जो ये वाला शेड है इनको दोनों को मिक्स करके हल्का सा स्पार्कल ऐड करूंगी अपने आईलिड्स पे। तो मेरा एक आई मेकअप डन है, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना क्रीज अच्छे से डिफाइन किया है, उसकी वजह से मेरा आई कितना डिफरेंट और कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसी तरीके से मैं अपना दूसरा आई मेकअप भी कर लेती हूँ। तो मेरा दोनों आईज़ का मेकअप हो चुका है, मैंने एकदम लाइट न्यूड टाइप मेकअप किया है बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं चाहिए था। और अब मैं अपना काजल लगाऊंगी, और मैं काजल भी बहुत लाइट शेड का लगाऊंगी, ब्रॉन्ज। ये मैंने पर्पल से लिया है, इसका हॉल मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये इस तरीके का काजल है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन में लगा लूंगी अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आईलाइनर। इसके लिए मैं ये इट्यूड हाउस का आईलाइनर यूज कर रही हूँ, ये आपको नायका पे इजीली मिल जाएगा। और मुझे बहुत ज्यादा ब्रॉड आईलाइनर नहीं चाहिए, मैं बहुत पतला आईलाइनर लगाऊंगी। एक्चुअली आई एम नॉट ए प्रो एट अप्लाइंग आई लाइनर्स, मैं बहुत टाइम लेती हूँ आई लाइनर लगाने में। मैंने अपना राइट आई का आई लाइनर लगा लिया है, और अब इसी तरीके से मैं अपना लेफ्ट आई का आई लाइनर भी लगा लेती हूँ। तो मैंने आई लाइनर लगा लिया है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पतला लगाना चाहती थी, लेकिन दोनों आईज को मैच करते करते एट लास्ट मेरा आई लाइनर ऐसा हो गया है, बट स्टिल मुझे अच्छा लग रहा है। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का फेस पैलेट, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है। इसका डिटेल्ड रिव्यू भी मैंने उसके उस हॉल के अंदर ही डाला हुआ है, तो उस हॉल का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब मैं लूँगी मेरा ब्रश फॉर अप्लाइंग माई ब्लश, तो जितना भी एक्सेस है उसको हम डस्ट ऑफ करेंगे, स्माइल करेंगे, एकदम ब्रॉड स्माइल, एंड दिस इज द ब्लश, डस्ट ऑफ, ब्रॉड स्माइल। और अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लश बहुत ज्यादा हो गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर हम एक लेयर ऑफ लाइक कॉम्पैक्ट एक बार डस्ट ऑफ कर लेंगे, तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और अब मैं लगाऊंगी मेरा हाइलाइटर, हाइलाइटर के लिए मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ, और इसमें इस तरीके का एक गोल्ड हाइलाइटर है, तो वो मैं लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा नेचुरल है तो मैं इसको एक्सेस डस्ट ऑफ करूंगी। हम लगाएंगे अपने चीक्स पे थोड़ा सा, हाइलाइटर से हमारा फेस एकदम ग्लोई लगता है। और अब मैं लगाऊंगी ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स को थोड़ा सा इधर चिन एरिया में, थोड़ा सा फोरहेड के सेंटर में, और उसके अलावा हम लगाएंगे इधर, जिससे कि हमारे जो आईब्रोज हैं वो एकदम पॉप आउट होके दिखे। एवरीथिंग इज डन अपार्ट फ्रॉम मस्कारा। तो अब मैं अपने आईलैशेस को रोल कर लेती हूँ। आपको ये बहुत केयरफुली करना है बिकॉज आपके आईलैशेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो
मैंने अपने दोनों आईलैशेस रोल कर लिए हैं और अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का मस्कारा, इट इज़ अ वाटरप्रूफ मस्कारा। तो अब मैं अपना मस्कारा लगाना स्टार्ट करती हूँ। मस्कारा बेसिकली हमारे आईलैशेस और बेसिकली हमारे पूरे आई मेकअप को एक बहुत ही डिफाइंड लुक देता है। हमारा आई मेकअप बहुत सुंदर लगता है मस्कारा से। इनफैक्ट जब भी हम आई शेडो भी नहीं लगा रहे हैं तो हम सिर्फ सिंपल आईलाइनर और मस्कारा लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लुक देता है हमारे पूरे फेस को। अब इस तरीके से मैं अपने पूरे आईलैशेस पे मस्कारा लगा लूँगी। और हमें सिर्फ अपर लैशेस पे नहीं, लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपर लैशेस पे लगाएंगे, लोअर पे नहीं लगाएंगे तो वो एक बहुत ही इनकम्प्लीट लुक देता है। बहुत केयरफुली लगाना चाहिए हमें हमारा मस्कारा। तो मैंने अपना मस्कारा लगा लिया है और अब हमने जो कलर अपनी क्रीज बिल्ड करने के लिए यूज़ किए थे, ये वाला लाइट और ये वाला डार्क कलर, तो मैं अब इन्हीं कलर्स से अपने लोअर आईज में भी एक क्रीज बिल्ड अप कर लेती हूँ जिससे कि हमारे आई लुक एकदम कंप्लीट लगे। बिकॉज अगर हम अपने लोअर आईज में वो कलर नहीं लगाते हैं तो हमारा आई लुक एकदम इनकम्प्लीट लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं, हमें बहुत थोड़ा सा लगाना है। और मैंने जो स्पार्कली शेड लिया था, ये वाला और ये वाला, मैं इन दोनों को भी हल्का सा अपने लोअर आईज में ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड हो गया है। हम इसी तरीके से अपने दूसरे आई पे भी ब्लेंड कर लेते हैं। और अब वही स्पार्कल वाला जो कलर था, एक्स्ट्रा को हमेशा हटा दीजिए बिकॉज जनरली जो भी एक्स्ट्रा होता है वो ही हमारे मेकअप को स्पॉइल करता है। तो जब भी आप ब्रश पे कुछ लें हमेशा उसको टैप कर दें ब्रश को, तो जो भी एक्सेस होगा वो हट जाएगा। तो मैंने दोनों आईज पे वो एक अच्छा सा जो पिंक कलर था वो ऐड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा आई मेकअप भी एकदम डन है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर की मिनी लिपस्टिक। शुगर की लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने ये मिनी का एक सेट मंगाया था जिसमें आपको 4 कलर्स मिल जाते हैं। तो मेरा जो शेड आज मैं लगाने वाली हूँ वो है प्लम यम। ये एक बहुत ही अच्छा पिंक कलर है, एकदम बहुत ही प्यारा कलर है न्यूड टाइप में। तो अब मैं पहले अपना लिप बाम लगाऊंगी दोबारा से थोड़ा सा, बिकॉज लिपस्टिक आपके फेस को, सॉरी, आपके लिप्स को ड्राई कर देती है। और अगर आप लिप बाम लगा के लिपस्टिक लगाएंगे तो कभी भी ड्राई नहीं करेगी और वो कभी भी एक पैची लिप्स भी नहीं लगेंगे आपके। तो अब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। शुगर की लिपस्टिक्स थोड़ी सी देर में मैटिफाई हो जाती हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स। सो माय मेकअप लुक इज डन। तो ये मेकअप आप इजीली किसी भी गेट टुगेदर, पार्टी, इवन वेडिंग्स में अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये टीनेजर्स भी इजीली इस मेकअप लुक को कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही सिंपल न्यूड मेकअप लुक है। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी आई शेडोज नहीं लिया है, एकदम बहुत ही लाइट ब्राइट शेड्स लिए हैं आई शेडो के और एक अच्छा सा पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया है जो हमारे पूरे फेस को एक बहुत ही अच्छा ग्लो दे रहा है।
आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, एज देर विल बी अ लॉट ऑफ अमेजिंग कंटेंट कमिंग अप. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग मी, एंड आई विल ऑल्सो लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, all the products which I have used, so you guys can go and check that out. I will also link my Instagram handle in the description box, so you guys can go and follow me on Instagram, as main Instagram pe bahut sari cheeze upload karti rehti hu. So until the next time, bye bye, love you all.